सो ये है मेरा बेडरॉक सुपर फ्लैट वर्ल्ड जहाँ पे कुछ भी नहीं है, और नेक्स्ट 100 डेज में हम इसको बदलने वाले हैं जहाँ पे वुड के ब्लॉक्स होंगे, स्टोन के ब्लॉक्स होंगे और बीकन भी होगा। बट कैसे ये सब पॉसिबल होने वाला है? माइनक्राफ्ट की कुछ मैकेनिक्स की वजह से। बट उससे पहले हमें कुछ तो चाहिए होगा ना स्टार्ट करने के लिए। सो अगर मेरे को कुछ चाहिए तो उसके लिए मेरे को बस इंतजार करना होगा रात होने का। और यहाँ पे रात हो चुकी है, और रात होने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि इस वर्जन में बेडरॉक पे मॉब स्पॉन ही नहीं होते हैं। माइनक्राफ्ट बीटा 1.9 प्री-रिलीज 3 इस वर्जन पे बेडरॉक पे भी स्पॉन होते हैं ज़ॉम्बीज, तो मेरे को बस यहाँ पे वेट करना है। ओ वेट, इधर एक क्रीपर स्पॉन हो गया, लेट्स गो लेट्स गो। अब मेरे को बस इससे मरना है, एंड हमारे पास कुछ इल्लीगल आइटम आ जाएंगे। सो जी कैसे आए, मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सो तुम ये जैरॉन से सुनो। सो वंस आई सॉ अ क्रीपर आई यूज्ड इट to kill myself, stay with me. Because this version was right before Mojang added the end dimension. They had accidentally forgotten to remove these four items from our inventory. Items other than the infinite amount of bedrock. We got enchanting tables, bookshelves, Newer version mein aane se pehle hi maine ye jeep se dikhne wala portal bana liya tha, because ye gate mein humko newer versions mein milta hi nahi hai. And jo mere paas bookshelves and enchanting tables hote hain, usse main enchanting room bana leta hu. Fir main chala jata hu end mein. End mein aate hi dekhta hu to mere ko ek khula spawn milta hai, jo hamare liye kafi achhi baat hai, warna humko haathon se blocks todna padta. Main bache hue end water frames ko use karke upar jata hu. And ab mere ko is ender dragon ko bina kisi tool and weapons ke marna. So crystals phodne ke liye mere ko ender pearls चाहिए होंगी, तो मैंने यहाँ चैम्बर बना के ढेर से एंडरमैन्स को मारा। एनपोल्स कलेक्ट करने के बाद मैं क्रिस्टल्स फोड़ना स्टार्ट कर दिया, और मैं तुम्हें पता ही है प्रो हूँ तो मैंने सारे फोड़ ही दिए होंगे। वैसे ये मैंने आधा ही दिखा है, मैं करीब 40-50 बार मरा हूंगा, एंड इसके बाद में सारे क्रिस्टल्स फूट जाते हैं, फिर मेरे को सिर्फ ड्रैगन को मारना बाकी था। 2000 years later. काफी देर तक ड्रैगन को हिट करते करते आखिर में मर ही जाता है, एंड मैं ड्रैगन को ओवरवर्ल्ड में सेफली रख के चल देता हूँ दोबारा से एंड में। एंड में आने के बाद मैंने थोड़ी और ज्यादा एंडर पर्ल्स कलेक्ट कर ली है, देन मैं चला जाता हूँ एंड सिटीज को ढूंढने के लिए, बिकॉज मेरे को चाहिए थे एक पिकैक्स जो बहुत मेन है। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि जहाँ मैं स्पॉन होता हूँ वहीं पे एक एंड सिटी रहती है, एंड काफी चेस्ट में ढूंढने के बाद मेरे को मिल जाता है पिकैक्स। बट ऑब्सीडियन के लिए मेरे को तो डायमंड की पिकैक्स चाहिए होगी, एंड ये लोगों को यहाँ पे डायमंड पिकैक्स भी मिल गई। एंड मैं अच्छी किस्मत की वजह से हमें बाहर एक पोर्टल मिल जाता है, और डे सेशन को मैं वार्डन ट्रेटर के स्पॉन होने के लिए प्लेटफॉर्म में लग जाता हूँ। जब तक यहाँ वॉर्डरिंग ट्रेडर अब स्पॉन हो रहा है, तब तक मैं चल के एक जॉम्बी फार्म बना लेता हूँ, बट उससे पहले मेरे को थोड़ा एंड स्टोन लाना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे मैं जॉम्बी फार्म बनाने लग जाता हूँ, बिकॉज हमको विलेजर्स की भी जरूरत है। एंड डे 18 को मैं ऐसे जॉम्बी फार्म पे जॉम्बीज मारता रहता हूँ, और तभी मेरे को जॉम्बी विलेजर दिख जाता है। देन मैं जल्दी से ऊपर के रास्ते ब्लॉक करता हूँ, एंड नीचे के सारे जॉम्बीज को मारने लग जाता हूँ। एक दो जॉम्बी विलेजर को भी लग जाते हैं, बट सेफली मैंने उसको वहां से निकाल लिया था, और मैं उसको एक डिब्बे में बंद कर ही रहा था तभी मेरा एक गलती से हिट लगता और वो मर जाता है। इस समय मेरे को अपने पर बहुत गुस्सा आ रही थी। इसके बाद मैं थोड़े से और एंड स्टोन माइन करता हूँ, और उससे मैं वॉर्डरिंग ट्रेडर के स्पॉन वाले एरिया को और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि वॉर्डरिंग ट्रेडर अभी भी नहीं स्पॉन हो रहा है। 20 से 24 तक मैं वेट करता हूँ वॉर्डरिंग ट्रेडर के स्पॉन होने का। ओ वेट, मिल गया, वॉर्डरिंग ट्रेडर आ गया, लेट्स गो, जल्दी चलो जल्दी। हमको ये ट्रेडर डर्ट तो नहीं बेच रहा था, बट ये मैंग्रोव का कुछ तो बेच रहा था। मैंने सोचा इससे शायद कहीं भी हम लोग प्लेस कर सकते हैं और उग जाता है, और एक हमको वुडन मिल जाएगी, हमारी क्राफ्टिंग टेबल मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं। बस मैंने अपने एम्बरल्ड्स वेस्ट कर दिए। डे 31 को एक और वॉर्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो जाता है, जिसके पास रूटेड डर्ट और सैपलिंग होती है, और हमारी अच्छी किस्मत को जैसे हमारे पास 8 एमराल्ड थे एग्जैक्ट सेम जितने हमें सैपलिंग और डर्ट के लिए चाहिए थे। इस डर्ट पे हमारी सैपलिंग तो लग जाती है, बट मैंग्रोव वाली सैपलिंग भी लग जाती है। बोन मील से मैं पेड़ बड़ा कर लेता हूँ, और उससे मैं एक स्वॉर्ड बनाता हूँ, पानी कलेक्ट करने के लिए कोल्ड्रॉन बनाता हूँ, एंड उसको प्लेस करके वहाँ पे वेट करने लग जाता हूँ बारिश का। एंड बीच में मेरे ऊपर जॉम्बी का अटैक भी हो जाता है, एंड डे 50 को वर्षा होने लग जाती है, बट पानी इतनी जल्दी भरने नहीं आता तो मैं पेड़ ही काट लेता हूँ।
एंड डे 52 को माय कोल्ड्रॉन में पानी आ जाता है तो मैं उसे बॉटल से डुप्लीकेट कर देता हूँ दूसरे कोल्ड्रॉन में, जिससे मेरे पास इनफिनिट सोर्स ऑफ वाटर हो जाता है। तो मैं अपने जॉम्बी फार्म में पानी लगा देता हूँ, जो कि बहुत टफ था, एंड मैं नीचे भी पानी लगा देता हूँ जैसे ड्राउन में कन्वर्ट हो जाए जॉम्बी, जिससे हमें कॉपर मिल सके और हम उसे लाइटनिंग रॉड गिरा के अपना पोर्टल लाइट अप कर सके। आई डोंट नो व्हाई उधर जॉम्बी स्पॉन नहीं हो रहे थे, तो मैं इधर से जॉम्बी लेता हूँ बट इधर भसड़ मच जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाता। बट बाद में उधर जॉम्बी स्पॉन में लगते हैं और वो ड्राउन में भी कन्वर्ट हो जाते हैं एंड मेरे को कॉपर भी मिलने लग जाता है उनसे, एंड उससे फाइनली मैं लाइटिंग रॉड बना लेता हूँ एंड पोर्टल के पास उसे प्लेस भी कर देता हूँ। एंड डे 58 को मेरे सामने लाइटनिंग गिरती है और पोर्टल लाइट अप हो जाता है एंड नेदर की वजह से मेरे पास इनफिनिट सोर्स ऑफ वुड फिर से हो गया। एंड मेरे को याद आता है मैं इस वर्ल्ड में एक बार भी सोया ही नहीं हूँ, तो मैं जल्दी से स्ट्रिंग से बेड बनाता हूँ और सो जाता हूँ, जिससे हमें एडवांसमेंट मिल जाती है। एंड हमको एक विलेजर को क्योर करना था, तो मेरे पास एप्पल तो है नहीं, सिर्फ गोल्ड है, तो मेरे को बेसन से गोल्डन एप्पल लाना पड़ेगा। एंड विलेजर की ओर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ग्लास चाहिए बीकन बनाने के लिए, हमारा लास्ट टास्क है बीकन। एंड तुम अब इस चीज पे विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैं कोरस फ्रूट खाता हूँ मैं फोर्ट्रेस के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ पता नहीं कहाँ से, और मैं फोर्ट्रेस में आ गया तो मैंने सोचा पहले विदर स्केल्टन हेड से कलेक्ट कर लेते हैं। एंड कई ऐसे मूवमेंट्स भी है जहाँ मैं अपना सारा सामान खोने वाला था, बट मैं तो प्रो हूँ, मैं बच ही गया। के बाद मेरे पास विदर स्केल्टन हेड्स तो हो जाते हैं, बट वो वाला रिकॉर्डिंग मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ बिकॉज मेरी स्टोरेज फुल हो गई थी। एंड मैं बेसिन्स में आके गोल्डन एप्पल कलेक्ट करने लग जाता हूँ। एंड काफी ढेर सारे गोल्डन एप्पल कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ घर पे वापस। एंड इसके अंदर हमारे विलेजर और विच है, अब बस मेरे को इस पे वीकनेस का पोषण भरवाना है विच से एंड गोल्डन एप्पल खिलाना है। यहाँ पे विलेजर को लग ही नहीं रहा था कोई भी पोषण, मेरे को ही लग रहा था, तो मैंने दूसरे वे से ट्राई किया। मैं बहुत ज्यादा बार ट्राई करता हूँ बट हो ही नहीं रहा था इधर, पता नहीं क्यों। लेकिन फाइनली एक ऐसा पोषण विच फेंकती है जो विलेजर को भी लग जाता है और फाइनली हमारा काम हो गया, अब ये विलेजर में बन जाएगा। एंड मैं यहाँ पे दूसरा जॉम्बी विलेजर ढूंढने लग जाता हूँ। भाई यहाँ पे मेरे को क्या टाइम ये मिलता है जबकि मैं हाफ हार्ट पे था, दूसरे विलेजर को कलेक्ट करते करते मैं हाफ हार्ट पे आ गया था। एंड दूसरे विलेजर को भी मैंने गोल्डन एप्पल खिला दिया, सो हम इस विच को मार देते हैं। एंड जो आलू मेरे को मिला था जॉम्बीज को मार के, मैं उसे बोल मिल से दोबारा बाबा ग्रो कर देता हूँ ढेर सारे, क्योंकि हमको विलेजर को भी ब्रीड करना था। एंड मैं इनको ये आलू देता हूँ और चला जाता हूँ एंड में विदर को मारने। एंड आज है डे 67 और यहाँ पे मैं माइन कर रहा था क्योंकि मेरी ट्री पता लगी थी जिससे विदर को बहुत जल्दी मार सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सोल सेल लाना भूल गया था। इस बार मैंने सोल सेल ला दी बट विदर स्केल्टन हेड लाना भूल गया था। एंड देन मैं स्केल्टन हेड ला लेता हूँ बट मेरे को याद आता है भाई मेरे पास तो पल्स कम है, मेरे को पल्स लेने जाना पड़ेगा। एंड तुम उतनी टाइम का मेरा रिएक्शन सुनो, मेरी आवाज में तुमको दर्द दिख गया होगा। बट इस बार सब कुछ डन है, अब बस स्पॉन करना बाकी है विदर को। एंड उस वीडियो के हिसाब से ये विदर बेडरॉक में फंस जाएगा, बट हमारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। विदर जैसे एक्सप्लोड होता है वो ऊपर चला जाता है बेडरॉक से टेलीपोर्ट होके और वो बाहर एंटरमैन्स को मारने लग जाता है। अब मेरे को पता लग गया था खत्म है भाई, अब तो मैं यहाँ मरने वाला हूँ। एंड मैंने एक गोल आई घर से एंड उससे मारने की ट्राई किया, बट भाई उसका शॉट लग ही नहीं रहा था और एंटरमैन्स मेरे पीछे पड़ जा रहे थे भाई। बट फाइनली मेरे 2-3 शॉट कनेक्ट हुए और विदर की हेल्थ काफी ज्यादा जा रही थी इस से, तो मतलब लग रहा था मेरे को मैं कुछ कर सकता हूँ। बट यार विदर से ज्यादा तो एंटरमैन्स ने परेशान करके रख दिया था। बट मैंने थोड़ा अपना दिमाग यूज किया और विदर को मारने की ट्रिक निकाल ली। विदर ऊपर मेरे को मार रहा है बट मेरे को डैमेज नहीं पड़ रहा ज्यादा और मैं यहाँ से बो मार दे रहा हूँ उसको। लेकिन ये एंटरमैन्स पीछा नहीं छोड़ रहे थे भाई मेरा। बट फाइनली मैं विदर को मार देता हूँ और मेरे को नेदर स्टार मिल जाता है। सो यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव बट जब मैं विदर को मारने गया था तब हमारा डे 67 था और अभी हमारा डे 80 है। अब मैं तुमको सोचाता हूँ ऐसा क्यों हुआ। लाइक मैं बीच में AFK चला गया था, हाउ टू किल विदर इजिली ऐसा सर्च वर्च कर रहा था, तो उतनी सारी मैंने गेम पॉज नहीं किया था। ये अगर एस्केप दबा देते हो तो तुम्हारा गेम पॉज, देखो मैं हवा में रुक गया, गेम हमारा उसी टाइम पे पॉज हो गया, तुम्हारे डे भी रुक जाते हैं। बट मैंने लगता है एस्केप दबाना भूल गया था और डायरेक्ट एग्जिट कर दिया था, दैट्स वाई मेरे डेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए। चलो कोई नहीं, हमारे पास अभी बहुत डेज है, अभी 20 डेज है और अब बस हमें एक मैं विलेजर्स को प्रोफेशन मतलब जॉब्स दे देता हूँ। एंड अब बस मेरे को स्टिक्स कलेक्ट करके, एमरल्ड कलेक्ट करके, लाइब्रेरी से ट्रेड करके ग्लास लेना था।
एंड हजारों घंटों के बाद मेरे को ये विलेजर ग्लास देने लग जाता है एंड मैं इससे ग्लास लेके बीकन बना लेता हूँ। एंड बस अपने को अब एक्टिवेट करना था बीकन को, सो मैंने आयरन फार्म बना लिया था। एंड घंटों के एफके के बाद मेरे को मिल जाते हैं इनफ आयरन एंड मैं फाइनली बीकन प्लेस करके अपना चैलेंज कम्प्लीट कर लेता हूँ। और तुम विश्वास नहीं करोगे, आज है हमारा लास्ट डे 100। एंड वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में, जहाँ पे आज मैं टॉक शो करने वाला हूँ, तो तुम जल्दी से ज्वाइन कर देना। आज या कल तक में हम लोग वहाँ पे टॉक शो करेंगे, जहाँ पे मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। एंड 60K पे फेस रिवील है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना।